फेयर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, जल्दी से जल्दी उसका आउटकम आना चाहिए। मुझे लगता है अगर हम प्रेशर डाल के कॉम्पनसेशन बढ़ा सकते हैं तो वो अच्छा होगा, और मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए। नमस्कार, बताइए। राजकोट में एक टीआरपी गेमिंग जोन, गैर कानूनी तरीके से पूरा ये टीआरपी गेमिंग जोन चल रहा था, अचानक वहां पर आग लगी और जब वहां पर ब्लास्ट हुआ तो 3000 डिग्री का टेम्परेचर की परिस्थिति का निर्माण हुआ होगा। विक्टिम फैमिली के साथ बीजेपी के विधायक, सांसद, लोकल लीडर्स और जिस राजकोट शहर ने विजय रूपाणी को गुजरात का सीएम बनाया, कोई भी संवाद करने को तैयार नहीं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं। हमारा डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस का ट्रायल चले। ये पूरा इलीगल तरीके से चल रहा था। एग्जिट और एंट्री एक ही थी, बिल्डिंग यूज परमिशन नहीं था, नो फायर सेफ्टी नॉर्म्स। जैसे ही घटना घटी, पहला रिएक्शन ये था कि ये कॉर्पोरेशन को पता नहीं है। परिवारों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? टीआरपी गेम जोन चल रहा था, उसमें मेरी छोटी बहन 19 की थी, वो जॉब कर रही थी वहाँ, और उसमें मैं 2-3 बार गई थी। वहाँ फायर सेफ्टी का कोई भी सामान नहीं था, कोई फायर सेफ्टी नहीं थी, कोई हमारे घर आके किसी ने हमने हमें ऐसे बोला भी नहीं कि आप कैसे हो, आप पे क्या बीत रहे, आपका सज्जन चला गया, उसके बारे में भी किसी ने कोई नहीं बोला। ये जो ब्लास्ट हुआ था, ये कोई गैस था या क्या था, ये किसके कारण हुआ? बिजली के कारण हुआ था? इसमें 1500 लीटर तो पहले सर वहाँ पेट्रोल था, 2000 लीटर केरोसिन था। सबका यही कहना है कि जो भ्रष्टाचार की वजह से ये पूरा कांड हो रहा है, तो यहाँ इनजस्टिस और करप्शन, ये दो बहुत बड़ा इश्यू है। तो फायर ब्रिगेड कितने टाइम में आई? एक घंटे में। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है इन लोगों के लिए? हमने उसी दिन कैंडल मार्च राजकोट में रिक्वेस्ट करके रखा और रेस कोर्स पे बड़ी तादाद में लोकल लोग और कांग्रेस लोगों ने कैंडल मार्च करके डिमांड की। एक हमने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए नॉन करप्ट आईपीएस ऑफिसर्स की एसआईटी बने, और जैसी विक्टिम्स की मांग है कि न्याय मिलना चाहिए। 3 दिन से हमारे ये साथी वहां पे, उन्होंने 3 दिन का अनशन किया। 25 तारीख को हम इसको बंद का ऐलान दिया है। हमने घर भर के एक पैम्पलेट्स बांटे हैं राजकोट में, जिसमें ये विक्टिम्स के न्याय की मांग उठाई है। सो वील कीप ऑन प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट टू एक्ट एंड टू गिव द जस्टिस। सर, हमें पूरा प्रेशर डालना चाहिए कि ये काम हो जाए, फेयर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, जल्दी से जल्दी उसका आउटकम आना चाहिए। मुझे लगता है अगर हम प्रेशर डाल के कॉम्पनसेशन बढ़ा सकते हैं तो वो अच्छा होगा, और मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए। अगर आप चाहते हो तो हम पार्लियामेंट में उठा सकते हैं, अभी सेशन आ रहा है, वहां भी उठा देंगे, वहां उससे भी प्रेशर।